हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा चार की हिंदी पुस्तक रिमझिम चार का पाठ नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके NCERT बुक में उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने इस पाठ में, पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर, इसमें हम लोग देखे थे कि बापू पूरे देश में एक आंदोलन चलाए हुए थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ, और साबरमती में उनका आश्रम था जहाँ पर कि धनी और उसके माता पिता उस आश्रम में रहते थे। तो आइए इस पाठ में कुछ कठिन शब्द पहले हम लोग देख लें। कुछ कठिन शब्द थे, धनी, धनी का मतलब होता है धनवान, स्वतंत्रता इसका मतलब होता है आज़ादी, ठहरना का अर्थ है रुकना, दूहना मीन्स निकालना, विचार विमर्श यानी कि बातचीत करना, मना करना यानी कि इनकार करना, धीरज से यानी धैर्य से, गर्व, गर्व का अर्थ है अभिमान, समस्या यानी कि परेशानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उचित विकल्प पर सही का निशान यानी कि टिक का निशान लगाइए। तो उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, धनी ने बिन्नी को किससे बांधा, नींबू के पेड़ से, झाड़ी से, आम के पेड़ से या रस्सी से। सही उत्तर है नींबू के पेड़ से। गांधी जी की तरह सभी लोग किसके लिए लड़ रहे थे, धन के लिए, भोजन के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, योजना बनाने के लिए। सही उत्तर होगा भारत की स्वतंत्रता के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी और उनके साथी कहाँ बैठकर योजना बना रहे थे, बगीचे में, बरामदे में, कमरे में, आश्रम में। तो सही उत्तर यहाँ पर दो है, आश्रम में वो बना रहे थे और कहाँ बना रहे थे, तो कमरे में बैठकर बना रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम में रहने वाला धनी कितने साल का था। तो आपको उत्तर यहाँ पर देखना होगा, वो 7 साल का था, 9 साल का था, 8 साल का या 10 साल का। सही उत्तर होगा 9 साल का। गांधी जी अपनी यात्रा पर किस प्रकार जा रहे थे, बस से, पैदल, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से। उत्तर होगा वो पैदल ही जा रहे थे। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने फिर से आपको क्या करना है, सही या गलत का निशान लगाना है, ठीक या क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है। तो पहला प्रश्न है, धनी के पिता बड़े आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ये उत्तर गलत है, क्योंकि वो आराम से नहीं बैठे थे बल्कि वो सूत काट रहे थे चरखे पे। मिंदा ने धनी के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि बिंदा धनी के सभी सवालों का जवाब दे रहा था। भारतीयों को नमक बनाने की मनाही थी, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश जब थे तो उस समय भारतीय लोग नमक अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे। अगला प्रश्न है, बिनी धनी की अच्छी दोस्त थी, ये बिल्कुल सही है। धनी भी गांधी जी के साथ यात्रा पर गया, ये यहाँ पर गलत है। जब गांधी जी उसको मना कर दिए तो वो यात्रा पर नहीं गया। अगला प्रश्न है, बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन्हें सेलेक्ट करके आपको फिलअप को कम्प्लीट करना है। पहला है, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर रहे थे, सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे। तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, इससे पहले इस बकरी को बांधो। अगला है, बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी, क्या आएगा फिलअप में, शर्म की बात थी। अब है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, गांधी जी कहाँ जा रहे थे। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, गांधी जी पैदल दांडी यात्रा पर जा रहे थे। बिन्नी कौन थी, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। अगला प्रश्न क्या है, बिन्नी कौन थी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। अगला प्रश्न है, धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे। तो धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे बच्चों, धनी और उसके माता पिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहते थे। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बिंदा क्या खोद रहा था, आप उत्तर में लिखेंगे, बूढ़ा बिंद्रा आलू खोद रहा था। क्या बिंदा भी आश्रम पर जा रहा था, नहीं, बिंदा यात्रा पर नहीं जा रहा था। अगला प्रश्न है, साबरमती में सबको क्या करना पड़ता था, साबरमती में सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, क्योंकि ये निर्देश गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिंदा ने धनी से बकरी को कहाँ बांधने के लिए कहा, उत्तर देंगे आप, बिंदा ने धनी से बकरी को पास के नींबू के पेड़ से बांधने के लिए कहा। अब आगे फिर है प्रश्न,
निम्न कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाते थे? तो जो साबरमती में आश्रम में ये लोग रहते थे उनका नाम दिया गया है और इनकी क्या जिम्मेदारी था आपको लिखना है। तो पहला है नाम यहाँ पर धनी का। धनी आश्रम की बकरी की देखभाल का जिम्मेदारी करता था, तो वो एक देख काम करता था। माँ का क्या काम था? धनी की माँ का आश्रम में खाना बनाने का काम। पिता जो थे धनी के, उनका क्या काम था? चरखा पर सूत काटने का काम। बिंदा माली का क्या काम था? आश्रम के बगीचे की देखभाल का काम। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए, यानी आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। बुद्धू का अपोजिट होता है चालाक, गरीब का विलोम होता है अमीर, समझदारी का ना समझ, अन्याय का विलोम शब्द न्याय, स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा पराधीन, उतावला का विलोम शब्द होगा इत्मीनान, पूरा का विलोम शब्द होगा थोड़ा, अकलमंद का बेवकूफ़ी। फिर आपको वाक्य पूरा करो, यहाँ पर आपको कोई हिंट नहीं दिया जा रहा है, आपको स्वयं ही इसको पूरा करना है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी, गांधी जी किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे, गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। अगला प्रश्न है फिर से, अगला कैटेगरी है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह का विलोम होगा शाम, गांव का विलोम होगा शहर, गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर, स्वतंत्रता का विलोम शब्द पराधीन, सवाल का विलोम शब्द जवाब, खरीदना का विलोम शब्द बेचना, अन्याय का विलोम शब्द न्याय, विरोध का विलोम शब्द होगा सहयोग। अब अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पानी का समान अर्थ होगा जल, समुद्र का समंदर, आँख का नयन, दोस्त का समान अर्थ होगा मित्र, खिलाफ का विरोध, यात्रा का देश भ्रमण। तो उम्मीद है बच्चों इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले किसी भी वीडियो को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध है, उसे क्लिक करके आप सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आपको कक्षा 1 से कक्षा 10 के हिंदी विषय के सभी पाठ का व्याख्या और प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ कुछ का वर्कशीट भी उपलब्ध मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।